हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज के इस वीडियो पे। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक कागज़ के टुकड़े को नोट में बदलने वाला मैजिक ट्रिक करके दिखाने वाले हैं और आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है आप लोगों को मैजिक ट्रिक करके बताएंगे और उसके बाद इस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट भी आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को भी सिखाएंगे इस मैजिक ट्रिक को आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज का मैजिक ट्रिक जो है शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा मैजिक ट्रिक है वो शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा लिया हुआ है और ये जो कागज़ का टुकड़ा है बिल्कुल ही एक नॉर्मल सा और बिल्कुल ही साधारण सा कागज़ का टुकड़ा है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल सा और बिल्कुल ही जो है साधारण सा कागज़ का टुकड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इस कागज़ के टुकड़े को सबसे पहले इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद इस तरीके से यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने जो है इस कागज़ के टुकड़े को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और इसके बाद इसको हमने यहाँ पे ऐसे पकड़ लिया है। अब इस पर हम करेंगे मैजिक, चलाएंगे अपना जादू और अपने हाथ को कुछ इस तरीके से हम शेक करेंगे। अब आप लोग देखिए, ये जो कागज़ का टुकड़ा था ये बन चुका है एक 500 रुपये का नोट। देख सकते हैं आप लोग, हमने जो इस कागज़ के टुकड़े को एक नोट में बदल दिया है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा लिया था जिसको हमने अपनी मैजिक से बना दिया है एक बिल्कुल ही ओरिजिनल 500 रुपये का नोट। देख सकते हैं आप लोग, ये हमने जो है अपनी मैजिक से कागज़ के टुकड़े को बदल दिया है एक नोट में। तो अब हम आप लोगों को इस मैजिक ट्रिक के पीछे का सीक्रेट जो है वो बताने वाले हैं और आप लोगों को सिखाने वाले हैं इस मैजिक ट्रिक को आप लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों को हमारी ये मैजिक ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोग इसी तरह की और भी मैजिक की वीडियोज़ देखना चाहते हैं और मैजिक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस मैजिक ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को एक नोट की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग यहाँ पर कोई सा भी नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को एक कागज़ का टुकड़ा लेना है और ये जो कागज़ का टुकड़ा है ये नोट से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो हमने कागज़ का टुकड़ा लिया हुआ है ये नोट से थोड़ा सा बड़ा है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस नोट को कुछ इस तरीके से आप लोग फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद आपको जो है इसको अपने हाथ के पीछे यहाँ पर ऐसे इस तरीके से छुपा के रखना है और ये जो है सामने वालों को बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इसके बाद आप लोग जो है इस कागज़ के टुकड़े को ऐसे सामने वालों को दिखा दीजिए और आपको जो अपने एक हाथ ऐसे खाली दिखा देना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो नोट है इसको आपको ऐसे इस तरीके से, देख सकते हैं हम लोग, ऐसे आपको दूसरे साइड में ले जाना है और आपको जो अपना दूसरा हाथ ऐसे खाली दिखा देना है। और इसके बाद आप लोग जो है फिर से इस नोट को इस साइड में ला लीजिए। इसके बाद आप लोग जो इस कागज़ को ऐसे उल्टा करके दिखा सकते हैं कि कागज़ जो है बिल्कुल ही नॉर्मल सा कागज़ है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग जो इस मैजिक ट्रिक को स्टार्ट करेंगे तब आपको क्या करना है, ये जो नोट है ये कागज़ के ऊपर कुछ इस तरीके से होना चाहिए और आपको जो है कागज़ इस तरीके से सामने की तरफ को दिखाना है। फिर आप लोग जो इस कागज़ को ऐसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ से आप लोग इसको ऐसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, देख सकते हैं आप लोग। और ये जो नोट है ये आपको बिल्कुल ही अपनी साइड यानी कि पीछे की साइड में रखना है, आपको जो इसको सामने की साइड में बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। इसके बाद आप लोग ले जा करके इस कागज़ के टुकड़े को ऐसे अपने हाथ में कुछ इस तरीके से आप लोग पकड़ लेंगे और पकड़ लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ को ऐसे थोड़ा सा शेक कीजिए और शेक करते हुए आपको जो ये कागज़ का टुकड़ा है इसको आपको अपनी हथेली के पीछे ले जाना है इस तरीके से। देख सकते हैं आप लोग, हमने जो इस कागज़ के टुकड़े को अपनी हथेली के पीछे यहाँ से इस तरीके से हमने इसको पकड़ा हुआ था और इसको हमने जो है इस तरीके से हमने बिल्कुल ही इसको अपने हथेली के पीछे ले गए थे। और ये जो है नोट आपका ऐसे सामने की साइड में होगा तो किसी को पता नहीं चले कि आपने जो है ये कागज़ के टुकड़े को अपने हथेली के पीछे छुपाया हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना, अपना दूसरा हाथ लेकर के जाना है और दूसरे हाथ से जो है आपको बिल्कुल ही तेज़ी के साथ यहाँ से आप लोग अपना दूसरा हाथ ऐसे लेकर के जाइए और ये जो कागज़ का टुकड़ा है इसको आपको अपने दूसरे हाथ में कुछ इस तरीके से छुपा करके और सामने की साइड में ऐसे आपको नोट दिखा देना है। और ये जो है किसी को भी पता नहीं चले कि आपने जो है ये कागज़ के टुकड़े को किस तरीके से नोट में बदल दिया है। और यही था इस ट्रिक के पीछे का सीक्रेट।